हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप कि सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। मैं हूँ अंबिका, और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सैटरडे है और मैं आ गई हूँ किचन में। 7 बज रहे थे अभी सुबह के, और मेरी किचन में ना मतलब ऐसी जगह से लाइट आती है कि थोड़ा अंधेरा सा लगता है, तो लाइट जला के ही रखनी पड़ती है मुझे। तो खैर देखिए, मलाई निकाल के मैंने दूध रख दिया है एक तरफ गर्म होने को, और एक तरफ मैंने रख दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए। ये वाले आलू में इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना कि इसको 3-4 बार मतलब पानी से धोना पड़ता है, इसके बाद ही इसकी मिट्टी निकलती है। तो खैर धो करके मैंने रख दिया थोड़ा सा नमक डाल करके आलू बॉयल होने को, और साथ के साथ ये सारे रात के बर्तन हैं जिनको मैंने अरेंज कर दिया, सारे बास्केट में लगा दिया है। और ये दोनों डब्बे जो है ना मैंने रात में नहीं मतलब शाम को धोए थे, तो सूख गए थे तो मैंने बंद करके रख दिया था। अभी इस टाइम इसके अंदर, जैसे इसके पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने अपना पूरा किचन अच्छे से क्लीन किया था, तो रिफाइंड के डब्बे में ना थोड़ा सा ऑयल था, तो उसको मैंने बाद में दूसरे डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब स्टील के डब्बे में जिसमें से मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ। तो उसमें मैंने रख के मैंने इसको साथ के साथ धो दिया था, और साथ में ये टोस्ट का डब्बा था जो कि टोस्ट ख़त्म हो गया था, तो उसको भी मैंने धो दिया था और लेके आई थी। अभी मैंने इसमें भी भर दिया है। अभी देखिए बैठ करके आराम से पीती हूँ, मतलब जितना पी सकूँ, 1 गिलास 1.5 गिलास कभी कभी 2 गिलास तो पानी पी लेती हूँ। किसी दिन गर्म पानी, किसी दिन ऐसे पानी, और बासी मुँह ही पानी पीना मैंने सुना है फ़ायदा करता है, तो मैं बासी मुँह ही पीती हूँ। अभी मैंने ब्रश नहीं किया था, तो बस देखिए पानी पीने के बाद मैंने ब्रश किया, और ब्रश करने के बाद सबसे पहले लगाऊंगी घर में झाड़ू। और साथ के साथ उधर आलू बॉयल हो गया था और साथ में दूध भी गर्म हो गया था, तो मैं गैस बंद करके अभी मैंने लगा लिया था झाड़ू। और साथ में ना थोड़ा बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाता है ये दरवाजे पर ना, डोर के ऊपर जो है सारी मिट्टी दिखती है, तो उसको हल्का सा भी झाड़ू से झाड़ दो तो वो साफ़ लगता है, और कपड़े से तो रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है। तो खैर देखिए, बच्चों का है आज एग्ज़ाम, तो आरुष तो उठ गया था अपना 6:30 बजे अराउंड, मैंने उसको जगाया था एक बार रिवीजन करने के लिए, क्योंकि जीके का पेपर था इसलिए, नहीं तो 6 बजे जगा देती हूँ। और 9 बजे जाते हैं बच्चे लोग स्कूल, 9:15 पे तो। और दक्षिता अभी सोई हुई थी जस्ट अभी वो भी सो के उठी थी, 8 बजने वाले थे वैसे तो। तो अभी देखिए झाड़ू लग चुका है पूरे घर में, इसके बाद से आलू भी बॉयल हो गए थे तो मैंने इसको छील लिया था, और अभी बना रही हूँ सब्ज़ी आलू की। तो सिंपल सरसों के तेल में हींग और जीरे का तड़का दे करके, साथ में ये प्याज है बारीक कटे हुए, साथ में एक हरी मिर्ची, इसको मैंने फ्राई कर लिया था, मतलब लाल होने तक भून लेंगे प्याज को। इसके बाद से टमाटर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला था, टमाटर ना आलू की सब्ज़ी में बहुत बढ़िया जाता है, आप चाहो तो बिना प्याज के भी बना सकते हो। तो पूरी बनाने वाली हूँ तो उसके साथ ही वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए टमाटर डालने के बाद मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और टमाटर गलने तक इसको पकाना है। टमाटर देखिए गल गए थे, तो बेसिक जो मसाले होते हैं हल्दी धनिया मिर्ची जीरा का पाउडर, और साथ में थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया था मैंने, थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाले जले नहीं। और ढक्कन बंद करके इसका मैंने सीटी हटा दी है, ऐसे मसाले बहुत अच्छे से मतलब पक भी जाते हैं और इनका फ्लेवर जो है वो उड़ता नहीं है। तो अभी देखिए मसाले पक चुके थे, तो मैंने इसमें ये जो बॉईल करके आलू रखे थे कट करके, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। बस इसमें अभी डालूंगी पानी, और साथ में बस इसमें लगा दूंगी सीटी, 3 से 4 सीटी, कम से कम 5 सीटी मैंने लगाई थी, बहुत अच्छी लगती है ऐसे आलू की सब्ज़ी। थोड़ा ज़्यादा सीटी लगा लो ना, वो उसकी जो तरी होती है बहुत अच्छे से पक जाती है, तो अच्छा लगता है वो खाने में। तो देखिए अभी एक तरफ जब तक की सब्ज़ी होती है तब तक अभी मैं फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ पूरियाँ। और अभी मैं नहा नहीं पाई थी क्योंकि एक एक करके बच्चों को ही नहाना था, तो पेपर है, तो मैंने सोचा चलो पहले इन लोग का नाश्ता मैं तैयार कर देती हूँ फिर आराम से नहाऊँगी। और अभी जब से बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए हैं ना, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब रेस्ट के टाइम पे भी जो है ना उन लोगों की पढ़ाई की तैयारी करवानी पड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है इस टाइम का, मतलब घर के काम, बच्चों का पढ़ाई, उनका एग्ज़ाम, उसके अलावा बाहर का भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, लाइक कुछ लाना हुआ, कुछ
बच्चों को स्कूल ले जाना, ले आना, सारा कुछ अकेले मतलब जब मैनेज करो ना तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो चलिए देखिए, साथ के साथ मैंने पूरियाँ फ्राई कर ली थी और थोड़ी सी मैंने फ्राई की थी क्योंकि बस नाश्ता ही करना है, लंच नहीं ले जाना है किसी को भी। सैटरडे है तो हस्बैंड की भी है छुट्टी और बच्चों का भी है पेपर, तो वो लोग 1 बजे मतलब छुट्टी होती है, 1:30 बजे तक आ जाते हैं घर। तो आलू की सब्ज़ी हो गई थी तो मैंने ढक्कन खोल करके आलूओं को थोड़ा सा मैश कर दिया है कड़छी की हेल्प से ही, और साथ में हरा धनिया डाल दिया है। थोड़ा सा इनको मैश कर दो ना तो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है ग्रेवी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अभी देखिए सब कुछ बन गया था तो मैंने लगा दी थी प्लेट। वैसे दक्षिता ने आज भी दूध और टोस्ट ही खाया था। और बस बच्चों को नाश्ता देने के बाद किचन को मैंने किया थोड़ा सा क्लीन और इसके बाद से मैं चली गई थी नहाने। अभी देखिए बस नहा करके आ गई हूँ वापस से किचन में और रख दी थी मैंने चाय, मतलब नहा के निकलती मैंने चाय रखी। और बस इसके बाद से बच्चों को तैयार करूँगी, मतलब तैयार तो अपने आप से ही हो जाते हैं वो लोग, बस दक्षिता के बाल बनाने पड़ते हैं, मतलब चोटी बनानी पड़ती है उसकी क्योंकि बाल थोड़े से हैं उसके लंबे, तो पोनी बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा उलझ जाता है बाल, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना उसको गूँथ करके बना देती हूँ। आपके तरफ वैसे ऐसे चोटी गूँथने को क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा, हमारे तरफ तो चोटी गूँथना ही बोलते हैं, कहीं कहीं पे गुत्थ भी बोलते हैं। और आप लोग कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं भी देखना चाहती हूँ कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियोस पहुँच रही हैं अभी। तो खैर देखिए अभी बच्चों को छोड़ करके आ गई थी मैं स्कूल से और आने के बाद मैंने चेंज किया फिर से क्योंकि अभी ना गर्मी थोड़ी बढ़ रही है तो दिन भर कुर्ता या फिर लैगी पहन के ना रहा नहीं जा रहा है, तो मेरा फैशन थोड़ा आपको अतरंगा लगेगा, मैं कुछ भी मतलब घर में मैं रहती हूँ तो मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, कोई भी टॉप कोई भी लोअर ऐसे करके, तो मतलब गर्मी थोड़ी बढ़ती है ना तो लैगी वगैरह नहीं पहना जाता है, तो इस वजह से मैं लोअर वगैरह ही डाल लेती हूँ। तो अभी देखिए अभी नाश्ता कर लिया था मैंने, नाश्ता करने के बाद तब मैंने सारे बर्तन क्लीन किए थे और साथ के साथ ये चावल का जो डब्बा था पिंक कलर का उसको मैंने वॉश कर दिया था क्योंकि चावल दूसरा आया था तो मैंने सोचा एक बार वॉश कर देती हूँ उसके बाद ही इसमें नया चावल रखूँगी, काफ़ी दिन से धुला नहीं था वो। इसके बाद से मैंने मलाई में से निकाला घी, वो सारा प्रोसेस मैंने आपको नहीं दिखाया है क्योंकि फिर ना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है इसलिए। और बस मैं घी बना ही रही थी, मतलब बन के लगभग हो गया था, उसके बाद से आरओ वाले आ गए थे क्योंकि फ़िल्टर चेंज कराना था आरओ काम में, इसलिए तो उधर किचन में हो रहा था ये सारा काम, तब तक मैंने बीच में ये सारा कुछ नोट डाउन कर लिया दक्षिता का ना, जैसे पेपर्स जो भी हो रहे हैं तो रिविज़न पार्ट मिल जाता है छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को भी मिल जाता है, तो उसका मैं क्या करती हूँ सारा कुछ ना नोट कर देती हूँ एक कॉपी में, मैं क्वेश्चन नोट कर देती हूँ और वो आंसर खुद से लिख देती है, या तो फिर छोटे बच्चों का तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, टिक लगाना रहता है, सर्कल करना रहता है, तो वो सब कुछ मैं नोट डाउन कर देती हूँ, मुझे बड़ा आसान लगता है ऐसे करना ताकि वो आसानी से अपना रिवीजन कर सके क्योंकि पूरा लिखने को दो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मैं लिख देती हूँ। वैसे भी स्कूल में बस आंसर आंसर ही इन लोगों को लिखना होता है, तो मैम मतलब एक दो बार हमने पेपर देख लिया तो उसी हिसाब से मैं एक तरह से कह सकते हैं पेपर मैं तैयार कर देती हूँ, वो आंसर करती है उसमें, 2 बार 3 बार मैं उसको इरेज कर करके देती हूँ, वो अपना इस तरह से रिवीजन करती है। तो वही है एग्ज़ाम के टाइम में ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देनी पड़ती हैं। और देखिए वो सब करने के बाद फिर आरओ हमारा वो हो गया था, मतलब फ़िल्टर चेंज हो गया था, उसके बाद से नारियल पानी ले आया था हस्बैंड तो उसको हमने पिया, और इसके बाद से घी भी हो गया था लगभग, थोड़ा बहुत ही ठंडा हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा हुआ था, लेकिन स्टील के डब्बे में भरना रहता है तो मैं भर देती हूँ। तो अभी देखिए थोड़ा सा गर्म था तो मैंने उसको हल्का सा ऐसे करके रखा था और 10 मिनट बाद मैंने उसको फिर रख दिया था, और ये डब्बा भी सूख गया था, तो बस अभी चावल इसमें भर दूँगी क्योंकि अभी बज गए थे करीब करीब 12 और बच्चों को लेने जाना रहेगा 1 बजे, तो बस राइस ही बनाऊंगी आज क्योंकि सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी जो वो तरी वाली है ही, साथ में ही है दही तो इससे खा लेंगे। और बस देखिए डब्बे में मैंने चावल डाल दिया है, और मैं क्या करती हूँ ना ये डब्बे में चावल डालती हूँ जब, तो इसमें मैं तेज़पत्ता ज़रूर डाल के रखती हूँ, तेज़पत्ता डालने से कीड़े नहीं लगते हैं चावल में, कीड़े या तो फिर काले काले से जो होते हैं हमारे तरफ तो उसको घून बोलते हैं यूपी साइड में, तो वो भी नहीं पड़ते हैं, चावल एकदम ठीक रहता है। तो बस अभी चावल भरने के बाद से मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए भी, बस बच्चों के लिए ही बना रही हूँ।
अभी देखिए बच्चों को लेकर के आ गई थी मैं स्कूल से और 1:30 से ऊपर एक करीब करीब 1:40-1:45 हो रहे थे और हस्बैंड को खाना था नूडल्स, तो बस वही मैं बॉईल करने मैंने रख दिया है, था भी नहीं बल्कि मैं ले करके ही आई हूँ, मतलब जब स्कूल से छोड़ करके आई तभी मैं ले करके आ रही थी बच्चों को, तो साथ के साथ मैं ये सब चीज़ें भी ले आई। तो बस एक तरफ बॉयल होने मैंने रखा, एक तरफ सारी सब्ज़ियाँ मैंने कट कर ली, सारी सब्ज़ियाँ क्या, पत्ता गोभी मिला नहीं, बस कैप्सिकम था, प्याज था और कैरेट था, तो कैरेट नहीं डालना था, मतलब मना कर दिए थे तो कैरेट नहीं मैंने डाला था। और बस देखिए ये बॉयल हो गया है तो इसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया, चिपकता नहीं है, और उबालते समय भी इसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड और नमक ऐड किया था। तो बस देखिए अभी कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और अब इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन, ज़रूर डालिए, नूडल्स में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है क्योंकि चाइनीज़ का खाना है, तो मतलब लहसुन और अदरक का फ्लेवर तो ज़रूर रहता है इसमें। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी वीडियो बन रही है कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना वीडियो बन जाती है, मतलब मुझे लगता है बन रही है और ऐसा होता नहीं है, बन नहीं रही होती है। तो बस अदरक लहसुन और हरी मिर्च थोड़ी सी पक गई थी तो इसमें मैंने डाल दिया है कैप्सिकम और प्याज स्लाइसेस में कटा हुआ, हल्का सा मैंने इसको ब्राउन किया है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है। अभी इसमें सोया सॉस और सिरका, बस यही दो चीज़ मैंने ऐड की थी, मतलब हस्बैंड बनवा रहे हैं तो अपने हिसाब से वो बनवाते हैं, बता करके ये डालना है, ये डालना है, ये नहीं डालना है, तो उस हिसाब से ही बनता है। नहीं तो मैं ले तो आई थी चिल्ली सॉस वगैरह भी, लेकिन मना कर दिए थे तो मैंने नहीं डाला। और बस ये डालने के बाद नूडल्स जो मैंने बॉईल किए थे इसको डाल दिया, साथ में डाल दिया था नमक और हक्का नूडल्स मसाला भी मेरे पास पड़ा था तो उसको भी करीब करीब आधा चम्मच ही डाला था मैंने, क्योंकि इसमें भी ना मतलब नमक वगैरह सब कुछ होता है, नमक, अजीनोमोटो सब कुछ रहता है इस मसाले में, मतलब टेस्ट करने पे पता चलता है, तो करीब आधा चम्मच मैंने उसको भी बस डाला था। और बस इसको बहुत अच्छे से टॉस कर लेंगे और देखिए हमारा नूडल्स बन के हो गया तैयार। ऊपर से अगर आपके पास पत्ते वाला प्याज हो तो डाल दीजिए, मेरे पास तो नहीं था तो मैंने हरी धनिया डाल दी और बस तीखा नहीं था, बाकी टेस्ट बहुत ही अच्छा, मतलब लाजवाब सा बन के तैयार हुआ था। और बस देखिए खाने पीने के बाद से वापस से आ गई हूँ काम करने के लिए, अपना थोड़ा बहुत जो बचा था, क्योंकि फिर शाम को मतलब अभी थोड़ी देर लेटती हूँ दोपहर में और इसके बाद से शाम को उठ करके फिर थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाना, बाकी घर के काम ये सब होते हैं, तो मतलब जब से पेपर हो रहा है ना थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया है, तो कपड़े वगैरह ऐसे ही रह जा रहे हैं, तो इन सब को भी मैंने तय करके जगह जगह पर लगाया, 2 दिन के कपड़े थे वैसे ही, और बस इसके बाद से पूरा रूम सेट किया, रूम तो मॉर्निंग में सेट किया था मैंने एक बार, वो सब मैंने आज नहीं रिकॉर्ड किया था क्योंकि लंबी हो रही थी वीडियो इसलिए। और बस आज सारे कपड़े भी मैंने तह करके लगा दिए जगह जगह पे क्योंकि टाइम था इसलिए। और बस चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।